السلام عليكم. اشتاق احمد حسين، with a new topic of plant systematics, anatomy and embryology. In this video lecture, we're going to study about some details of family Cucurbitaceae, an important family of plant kingdom. I would do my level best to make your concept crystal clear. Let's start the topic. Dear students, hopefully आप सब ठीक होंगे और लॉकडाउन से रिलेटेड जो पाबंदियाँ हैं वो आप निभा रहे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम फैमिली कुकरबिटेसी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मैं समझाने की और आप समझने की भरपूर कोशिश करें। फैमिली कुकरबिटेसी प्लांट किंगडम का हम जानते हैं एक इम्पोर्टेंट जो है वो फैमिली है और फूड के हवाले से जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट फैमिली है। कुकरबिटेसी फैमिली को डिस्कस करने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि जब भी हम कोई प्लांट फैमिली स्टडी करते हैं तो हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन जानने की कोशिश करते हैं, उसका वेजिटेटिव जो है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यानी कि इसमें स्टेम रूट और लीफ किस तरह है, फ्लोरल करेक्टर के मुताबिक जो है वो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो भी फैमिली का हम जो है वो डिस्कस करते हैं। यही पैरामीटर्स हम मद्देनज़र रख के कुकरबिटेसी को जो है वो आज पढ़ेंगे जी। तो कुकरबिटेसी फैमिली में तकरीबन 100 जिनराज है और 850 के लगभग जो है इसमें स्पीशी स्टिलनो जो है वो रिपोर्टेड है। डिस्ट्रीब्यूशन जी ये ट्रॉपिकल रीजन में और सब ट्रॉपिकल रीजन में ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। वेजिटेटिव करेक्टर इसकी जो हैबिट है तो मोस्टली ये क्लाइंबर्स है। क्लाइंबर्स ये सपोर्ट के ज़रिए जो है वो ऊपर चढ़ते हैं। स्टेम इसके सॉफ्ट है, वो अपने आप को जो है सपोर्ट नहीं कर सकते, तो ये आप जो है इसके लिए सपोर्ट बनाते हैं, उस सपोर्ट पर ये जो है वो क्लाइंबिंग जो है ये करते हैं। और ये क्लाइंबर्स आपके जो है ये एनिमल भी हो सकते हैं और इसमें पेरिनियल भी है। एनिमल वो है जो वन ग्रोइंग सीजन में उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ वो करे, उसमें फ्लावर प्रोड्यूस हो, फ्रूट प्रोड्यूस हो, सीड प्रोड्यूस हो और वो ख़त्म हो जाए। पेरिनियल जो क्लाइंबर्स है तो वो मोर देन वन जो है वो सीजन में वो ग्रो करते हैं, उसमें फ्रूट डेवलप होते हैं और नेक्स्ट ईयर उसमें फिर जो है वो फ्रूट डेवलप होते हैं। तो वो मोर देन वन ग्रोइंग सीजन तक जो है वो क्या करते हैं, वो सर्वाइवल करते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल क्लाइंबर। तो हैबिट इसका जो है ये सॉफ्ट प्लांट है और जिसको हम क्लाइंबर्स कहते हैं, और इसमें ये एनिमल क्लाइंबर्स भी है और पेरिनियल भी इसमें है। रूट टेप रूट सिस्टम है, टेप रूट को हम प्राइमरी रूट भी कहते हैं जो कि रेडिकल से डेवलप होता है एम्ब्रियो के। स्टेम हर्बेशियस है, ये हमने पढ़ा है। क्लाइंबिंग भी है, क्लाइंबर्स है जो आप सपोर्ट के जरिए जो है ये ऊपर चढ़ता है। एंगुलर है, एंगुलर का मतलब है स्टेम में जो है रेजिस और फरोज है, नशेब व फराज है, स्मूथ नहीं है। हालो है, हालो इंटीरियर जो उसका स्टेम का है वो हालो होता है, खोखला होता है। ग्लेबर्स भी हो सकता है, ग्लेबर स्मूथ। हियरी भी होता है, हियरी जो इस पर हेयर्स ग्रो करते हैं स्टेम पर हो सकते हैं। और बास केसेस में प्रिकल्स भी हैं, ठीक है। प्रिकल्स आप जानते हैं रोज़ा रोज़ा अल्बा में जो प्रिकल्स होते हैं तो उसमें ये प्रिकल्स भी पॉसिबल है होते हैं। नेक्स्ट जी लीप इसमें सिंपल है, सिंपल लेमिना वन पीसेस है और लीप लोब्ड है, उसमें डाइसेक्शन हुए हैं, लोब्स उसमें बने हुए हैं। पिट्यूलेट है प्रॉपर जो है उसमें पिट्यूल मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं जी फ्लोरल करेक्टर्स के मुताबिक पढ़ते हैं जी। तो इनफ्लोरेसिस इसमें बास प्लांट में सोलिटरी फ्लावर भी है,
बाद में जो है वो साइमोस पेनिकल है। साइमोस आप जानते हैं ओल्डर फ्लावर टिप पर, यंगर फ्लावर लोअर पोजीशन पर, मीन बेसिपेटल सक्सेशन में जब फ्लावर ग्रो हो तो उसको हम साइमोस इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। और साइमोस पेनिकल का क्या मतलब है, तो ये मल्टीपेयर साइम है, मीन एक साइम से वो सम ब्रांच जो है वो साइम है ब्रांच, ये अपने टर्मिनोलॉजी में पढ़ चुके हैं। तो ब्रांच जो साइम साइमोस इनफ्लोरेसेंस उसको हम साइमोस पेनिकल भी कहते हैं, और ये एक्टिनो एक्टिनोस्टीमा जेनेस है उसमें जो है आपको ये मिलता है। और बाद में जो है वो रिसिमोस इनफ्लोरेसेंस भी जो है वो आपको जो है वो मिल सकता है। नेक्स्ट फ्लावर इसका जो है वो रेगुलर है, और रेगुलर का मतलब है सेपल पेटल जो है वो साइज और शेप मॉर्फोलॉजी में सेम है, यूनिसेक्सुअल है। मोस्ट केस में फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं, उस जो है वो सेक्सेस उसमें सेपरेट होते हैं, मेल फ्लावर जुदा और फीमेल फ्लावर जो है वो जुदा होते हैं। रेयर केस में जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर भी इसमें आपको जो है वो मिल सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो शेज़ व पिपान ये जेनेस है इंपॉर्टेंट, इसमें जो है फ्लावर्स क्या है वो बाइसेक्सुअल है। एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक का क्या मतलब है, जो है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है फ्लावर, एपिगाइनस है ऊरी आपकी इंफीरियर है, एपिगाइनस का मतलब ऊरी इंफीरियर। मेल फ्लावर ये हमने पढ़ा कि मोस्ट केसेस में आपके फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, फ्लावर मेल फ्लावर जुदा और फीमेल फ्लावर जुदा। तो पढ़ते हैं जी मेल फ्लावर के मुताबिक, मेल फ्लावर में जो है कैलिक्स होते हैं जी, कैलिक्स कितने आमतौर पर 5 के सेपल्स होते हैं उसमें, गैमोसेपल्स कंडीशन है, सेपल आपके फ्यूज्ड हैं, पेटलाइड है और पेटल नुमा है, पेटल की तरह कलर्ड है, कैंपेनुलेट है, बिल शेप्ड आपके जो कैलिक्स है तो उसका अल्टीमेट जो अपेयरेंस आता है तो वो बेल शेप्ड आता है। करोलस में, करोल में 5 पेटल्स हैं, पॉली पेटल्स कंडीशन है, क्या मतलब है, पेटल्स फ्री है एक दूसरे से और कैंपेनुलेट टू रोटेट, ये इसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो वेरिएबल है, वो कैंपेनुलेट भी हो सकता है बाज में ये करोला और रोटेट भी हो सकता है इसमें। रोटेट आप पढ़ चुके हैं जो के व्हील नुमा होता है रोटेट, सही, तो वो भी हो सकता है, तो ये आप इसमें वेरिएबिलिटी है। एंड्रोशियम जो है एंड्रोशियम आप जानते हैं कलेक्शन कलेक्शन या एग्रीगेशन ऑफ स्टेमन को कहते हैं, तो इसमें 5 स्टेमन होते हैं और 5 स्टेमन फ्री है भी हो सकते हैं, बास कैच इसमें फ्यूज भी हो सकते हैं। गाइनीशियम में इसमें जो है वो सिफर है क्योंकि वो हम मेल फ्लावर पढ़ रहे हैं। इसी तरह फीमेल फ्लावर की जो आप खसूसियात पढ़ रहे हैं, कैलिक्स इसमें 5 सेपल्स हैं और वो फ्यूज हैं। करोला जो है आमतौर पर जो है उसमें 5 पेटल्स होते हैं, फ्री भी हो सकते हैं, फ्यूज भी हो सकते हैं। एंड्रोशियम जो है चूँकि फीमेल फ्लावर है तो वो एब्सेंट होगा, और अगर होते भी हैं प्रेजेंट तो वो क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं जिसको हम स्टेमिनाइट कहते हैं। गाइनीशियम जो है वो ट्राई कार्पल कार्पिलरी फ्लावर्स होते हैं मोस्ट केसेस में, ट्राई कार्पिलरी थ्री कार्पल ट्राई कार्पिलरी का मतलब है थ्री कार्पल्स उसमें होते हैं। सिनकार्पस कंडीशन का मतलब क्या है, ये कार्पल आपके फ्यूज होते हैं। ओवरी इन्फीरियर एपिगाइनस कंडीशन है जी, ओवरी इन्फीरियर इसमें है। प्रेजेंटेशन यहाँ जो है आपका मोस्ट केसेस में पेराइटल प्रेजेंटेशन है और बास केसेस में आपको एग्जाइल भी मिल सकता है। होपफुली आप पेराइटल और एग्जाइल को समझ रहे होंगे। पेराइटल प्रेजेंटेशन जब आपका कार्पल जो है आपकी गाइनीशियम जो है वो मोर देन टू उसमें टू या मोर देन टू उसमें कार्पल मौजूद हो और कार्पल सन कार्पस कंडीशन हो और फ्यूज्ड मार्जिन कार्पल्स के फ्यूज्ड मार्जिन से जो है वो क्या निकले, वो प्लेसेंटास अटैच हो या सीड ओव्यूल जो है फ्यूज मार्जिन से अटैच हो जाए तो ऐसे प्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, पेराइटल प्रेजेंटेशन कहते हैं। एग्जाइल प्रेजेंटेशन जो है वो सन कार्पस कंडीशन होता है उसमें, और जो फ्यूज मार्जिन होते हैं कार्पल के तो वो सेंटर में जो है क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, फ्यूज मार्जिन सेंटर में मिल जाते हैं और जो सेंट्रल पॉइंट है तो उससे फिर जो है वो आपकी सीट जो है वो अटैच होते हैं, ठीक है, तो वो एग्जाइल प्रेजेंटेशन है। ये आप टर्मिनोलॉजी में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट फ्रूट इसमें बिरी है, और बिरी आप जो कुकरबिटेसी है हैज आल्सो गॉट अ स्पेशल नेम नॉन एज पेपो, जो पे बिरी
क्रेविटेज फैमिली में है तो वो उसको हम पेपो कहते हैं, उसका स्पेशल नेम है। ठीक है, तो ये सकुलेंट फ्रूट है। और उसका जो पेरिकार्प होता है जिसको हम रेंड कहते हैं, एपिकार्प, तो वो क्या होता है, वो हार्ड होता है। और इंटीरियर में जो है मेसोकार्प और एंडोकार्प जो है वो इसका जो है वो सॉफ्ट होता है, फ्लिशी होता है। तो ये बिरी फ्रूट आपको कोकरबिटेसी में मिलते हैं। तो और फार्मूला को जो है आप जो है वो मुलाहिजा करें जी। मेल फ्लावर में देखें, ये टेलोमॉर्फिक कंडीशन है, बाइसेक्सुअल नहीं है जी, ये मेल फ्लावर है। नीचे से आप ये प्लस साइन रिमूव कर लें और पास ये स्टरिंग जो है आप इसको कंसिडर कर लें। कैलिक में 5 है और 5 सेपल्स है वो फ्यूज है। कैरोला में 5 जो है पेटल्स हैं वो फ्री भी हो सकते हैं, वो फ्यूज भी हो सकते हैं। इंड्रूशियम जो है वो 3 से लेके 5 के दरमियान इसमें होते हैं और फ्यूज होते हैं। गाइनेशियम मेल फ्लावर में उसमें कार्पल जो नहीं होते, 0 है। फीमेल फ्लावर में इसके बरक जो एक्टिनोमॉर्फिक है और फीमेल फ्लावर है, ये एरो ऊपर से बैठा ले, नीचे जो है प्लस साइन लगा ले। और कैलेक्स में आपका जो है वो 5 सेपल्स हैं, सेपल्स आपके फ्यूज हैं। कैरोला में जो है 5 आपके पेटल्स हैं, वो फ्री भी हो सकते हैं, वो फ्यूज भी हो सकते हैं। एंड्रूशियम इसमें 0 है चूँकि फीमेल फ्लावर है। गाइनेशियम इसमें 3 जो है वो कार्पल है और वो फ्यूज कंडीशन में है। ठीक है, आप इसके ऊपर निशान भी लगा सकते हैं, वो लाइन आपको शो करता है कि वो ये आपकी इंफीरियर है। देख ली फ्लोरल डायग्राम लाइजा करें, ये मेल फ्लावर है, ये देख ली फर्स्ट वर्ल्ड 1 2 3 4 5 ये आपके जो है वो सेपल्स हैं, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं जी। नेक्स्ट जो है ये वर्ल आपको नज़र आ रहे हैं, ये ब्रैकेट नुमा 1 2 3 4 5 ये आपके जो है वो पेटल्स हैं, ये पेटल्स भी आपके जो है वो क्या है, ये फ्यूज्ड हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेमन्स को। स्टेमन इसमें कितने हैं, 3 से लेके 5 तक हो सकते हैं। ये देख लीजिए आपके लिए 1 2 3 4 5 यहाँ जो है 5 दिए गए हैं। ये मेल फ्लावर है, गाइनेशियम इसमें जो है वो एब्सेंट है, नहीं है, ये आपका मदर एक्सेस है। नेक्स्ट फीमेल फ्लावर को आप जो है मुलाहिजा करें, तो ये फर्स्ट वर्ल 1 2 3 4 5 ये आके जो है वो पेटल्स हैं, सॉरी सेपल्स हैं, सेपल जो है वो फ्यूज है, एक दूसरे से फ्यूज है, सही है, जो फ्यूज है, फ्यूज 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 फ्यूज। नेक्स्ट जो सेपल्स के बेनीथ जो वर्ल है वो आपका करोला कहलाता है, जो कि पेटल से बनता है, 1 पेटल 2 पेटल 3 4 और 5 पेटल, पेटल एक दूसरे से फ्यूज जो है वो फ्यूज हैं। ठीक है, इसमें जो है वो स्टेमन्स नहीं होते क्योंकि फीमेल फ्लावर है। और कार्पल इसमें जो है वो ट्राई कार्पिलरी पेस्टल इसमें मौजूद है, ट्राई कार्पिलरी पेस्टल। ठीक है, ये देख लें, ये कंस्ट्रक्शन 1 2 3 कंस्ट्रक्शन जो है आपको क्या दिखाता है, नंबर आप कार्पल दिखाता है, ये पहले वीडियोज में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें ये क्या है, ये मल्टीलाकुलर है, 3 कार्पल है, कंस्ट्रक्शन 1 कंस्ट्रक्शन 2 कंस्ट्रक्शन 3 और कार्पल एक दूसरे के साथ फ्यूज है। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। इम्पोर्टेंट जो है जिनराज इसमें बहुत सारे जो है वो हमने पढ़ा कि बड़ा ख़ानदान है, फैमिली है बड़ी, तो मुख्तलिफ किस्म के जिनराज इसमें है। इम्पोर्टेंट हम पढ़ते हैं फिर इनके से सीरीफेरा देखते हैं, स्ट्रक्चर आपको देख रहा है, इम्पोर्टेंट प्लांट है, वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो ये बिलोंग करता है क्यूकरबिटेसी से। इसी तरह सिट्रुलस वल्गेरिस जिसको वाटरमेलन हम कहते हैं, सिट्रुलस वल्गेरिस पश्तों में हम इसको हिंदवाना बोलते हैं, ये इम्पोर्टेंट जेनस है और ये प्लांट जो है बिलोंग करता है क्यूकरबिटेसी तक क्यूकरबिटेसी से। इसी तरह कोक्यूमस मेलो खरबूजा जिसको हम कहते हैं, ये बिलोंग करता है क्यूकरबिटेसी का जो है इम्पोर्टेंट मेम्बर है। क्यूक्यूमस सटाइवा जिसको कीड़ा कहते हैं हम बादरंग, ये भी फैमिली जो है वो क्यूकरबिटेसी से बिलोंग करते हैं। लूफा सिलेंड्रिका जिसको हम पश्तो में हम तोरे बोलते हैं, ये जो है क्यूकरबिटेसी से बिलोंग करता है। माइमोर्डिका कैरेंशिया, करेला करेला जिसको आमतौर पर हम बोलते हैं, तो ये क्यूकरबिटेसी का जो है इम्पोर्टेंट प्लांट है। क्यूकरबिटा मैक्सिमा कद्दू जिसको हम बोलते हैं, ये विलायती कद्दू है, क्यूकरबिटा मैक्सिमा, तो ये फैमिली क्यूकरबिटेसी से बिलोंग करता है। इसी तरह क्यूकरबिटा पेपो भी बिलोंग करते हैं, वो भी कद्दू कद्दू है, सही है।
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस फैमिली का तो वो भाई इसमें जो है दिस फैमिली इज इम्पोर्टेंटली इम्पोर्टेंट पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकली बिकॉज इट फ्रूट्स आर एडेबल। इसमें जो फ्रूट्स है फ्रूट्स भी आते हैं, वेजिटेबल्स भी हैं और मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें जो है वो इसका इम्पोर्टेंस है। ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए भी चंद जो है जेनेस जो है वो इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट वेजिटेबल और फ्रूट जो है वो पड़ते हैं। तो एक क्यूमस मिलो जिसको खरबूजा हम कहते हैं, आपने डायग्राम में उसको जो है मुलायजा किया, तो ये अच्छा खासा फ्रूट है। इसको जो है हम जो है इस्तेमाल करते हैं खरबूजा। और इसके जो है वेराइटीज़ है फिर जी, ये क्यूमस मिलो वेराइटी मोमार्डी का, ये इसकी जो है वेराइटी है। इसको जो है फ्रूट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसे क्यूमस मिलो वेराइटी यूटिली यूटिलीसीमस यूटिलीसीमस जो है इसको ककड़ी जो है वो बोलते हैं कामनली। ठीक है, इसी तरह को क्यूमस अटाइवा अटाइवस इस कीरा कीरा है। तो ये क्या है वेजिटेबल के तौर पर जो है ये इस्तेमाल होते हैं, बाज इसमें फ्रूट बाज जो है वेजिटेबल। ये देखते हैं ये कि क्यूमस मिलो वेराइटी मोमार्डे का है, फ्रूट है इसको जो है खाया जाता है। ठीक है, ये देखिए कि क्यूमस मिलो वेराइटी यूटिलिसीमस जो है इसको काकड़ी बोलते हैं, वेजिटेबल के तौर पर जो है ये इस्तेमाल होता है। और ये क्योंकि मसटाइव जो है आमतौर पर हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो है सिट्रुलस ऑर्गेलस जिसको हम तरबूज बोलते हैं, तरबूज आपने खाया होगा, तरबूज हिंदवाना। ठीक है, तो इसमें जो है फिर वेराइटीज़ हैं सिट्रुलस ऑर्गेलस वेराइटी फिस्टुलोसस। ये क्या है टिंडा, टिंडा एज एज अ वेजिटेबल हम इस्तेमाल करते हैं। और सिट्रुलस ऑर्गेलस में जो है वो तरबूज इंदवाना वगैरह जो है वो एज अ फ्रूट हम इस्तेमाल उसको करते हैं। तो इसकी एक वैरायटी फिस्टोलस जो है वो टिंडा आमतौर पर जो है घरों में वेजिटेबल के तौर पर जो है इस्तेमाल होता है। इसी तरह कुकरबिटा मैक्सिमा जो है वो उसको हम कद्दू बोलते हैं। सही, कुकरबिटा मैक्सिमा भी है कद्दू और कुकरबिटा पिपो भी है। कुकरबिटा मैक्सिमा जो है वो विलायती कद्दू है और कुकरबिटा पिपो जो है ये आमतौर पर जो है वो इस्तेमाल होता है इसे वेजिटेबल। नेकली बिनन कैसा है हिस्पेडा भी इसमें है, बिनन कैसा हिस्पेडा इसको पेटा बोलते हैं ना, बिनन कैसा हिस्पेडा स्पेटा इट इज यूज एज वेजिटेबल। और वेजिटेबल के तौर पर जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बिनन कैसा हिस्पेडा इस तरह का जो है वो है कामनली, इसको वैक्स गॉड भी कहते हैं। ठीक, तो ये जो है वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेगिनेरिया वल्गैरिस है, ये भी वेजिटेबल है, इसको कॉमनली हम लौकी बोलते हैं और बहुत से टॉनिक में भी इस्तेमाल होता है और वेजिटेबल्स के तौर पर घरों में भी इस्तेमाल होता है। लेगिनेरिया वल्गैरिस ये देख ली नरेगाड़ी कद्दू। ठीक है, और ट्राइकोसेंथस डायो का ट्रायोसिंथस डायो का जो है ये एज अ वेजिटेबल इस्तेमाल होता है, कुकरबिटेसी से बिलोंग करता है। और इसमें जो है दूसरा इस जेनस में दूसरा दूसरे प्लांट भी है जिसको ट्राइकोसेंथस कुकुमेराना इंगुआना कहते हैं, और ये भी एज अ वेजिटेबल इस्तेमाल होता है। देख ले, ये ट्राइकोसेंथस डायो का है, आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये एज अ वेजिटेबल इस्तेमाल होता है। और इसी तरह ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है ट्राइकोसेंथस कुकु मिराना एंग्वेना, तो ये एज अ वेजिटेबल जो है ये इस्तेमाल होता है। कुकरबिटेसी से बिलोंग करते हैं। लूपा सिलेंडर का आप जानते हैं, तोरे को कम कहते हैं, ये जो है पॉपुलर जो है वेजिटेबल है तोरे। और मोमार्डिका करेंशिया को आप जानते हैं, करेला जिसको हम कहते हैं, वेजिटेबल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, एज अ मेडिसिन भी इस्तेमाल हो सकता है। रोमाटिज्म में और गोट गोट में जो जोड़ों का दर्द की बीमारी है, रोमाटिज्म दोनों जोड़ों से रिलेटेड जो है कंडीशंस है ना, एबनॉर्मेलिटीज हैं, तो उसके इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। लोकली इसको जो है शुगर के खिलाफ भी जो है एज अ क्रूड ड्रग इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मेडिसिन के तौर पर जो है बाज इसमें जो है ऐसे प्लांट है कुकरबिटेसी में जो कि मेडिसिनली जो है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सेटुलस कोलिसेंथस से अल्कलाइड जी निकलता है जिसको कोलू सेंटेन कहते हैं, कोलो सेंटेन।
ये जो है को सेटुलस पोलिसेंथ से निकलता है अल्कलाइड, ठीक है। तो ये स्नेक बर्ड के खिलाफ, सांप बंदे को काटे तो उसके खिलाफ जो है ये एज अ ग्रू ड्रग इस्तेमाल होता है पोलिसेंथिन, ठीक है। देखिए ये सेटुलस पोलिसेंथिन का जो है पिक्चर है, आपको नजर आ रहा होगा। ये नेक्स्ट जो है एक बेरियम एलिटेरियम जो है फ्रूट है, और इसमें जो है इसे कंपाउंड निकलते हैं जिसमें वो नारकोटिक इफेक्ट शो करता है, और मुख्तलिफ किस्म के जो है जहनी अमराज के लिए वो इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि हाइड्रोफोबिया है, पानी पानी से डर की बीमारी। तो ये उसके लिए ये कंपाउंड्स जो कि एक बेरियम एलिटेरियम से हासिल होते हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये ब्रेन को मुतासर करते हैं, ब्रेन पर जो है वो इफेक्ट शो करते हैं। ये देख लें आप, एकिबेलियम इलिटेरियम जो है प्लांट उसका दिया गया है। नेक्स्ट जो है ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए भी इसमें जेनेसिस है वो इस्तेमाल होते हैं, गार्डन्स में और लैंड में ब्यूटिफिकेशन पर्पसेस के लिए वो जो है हम यूज़ करते हैं, जैसा फॉर जो है कि एकबेलियम है और सचियम है और साइसस है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट जेनरस जो है ये ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं लॉन्स में और गार्डन्स में। तो उसकी जो है ऑर्नामेंटल पर्पसेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुकरबिटेसी की इम्पोर्टेंस है। ये सचियम जिनसे इम्पोर्टेंट कुकरबिटेसी का, ये लॉन्स में ब्यूटिफिकेशन के लिए ग्रो करता है, और साइसस जो है ये भी ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये जो है लेट्स टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू। इस लेक्चर में हमने जो है फैमिली कुकरबिटेसिस को डिस्कस किया, हमने जो है वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन और फ्लोरल सॉरी वेजिटेटिव करेक्टर्स के बारे में पढ़ा, स्टेम रूट लीफ के मुताबिक पढ़ा, फ्लोरल करेक्टर्स इसके हमने डिस्कस किए, और इसके जो है आपने जो है वो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर का स्ट्रक्चर और उसकी कंपोजिशन आपने जो है वो पढ़ा, इम्पोर्टेंट जेनरा जो है वो आपने जो है पढ़े, और इसी तरह इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को भी हमने डिस्कस किया। होपफुली आप इस बार आप जो है आपने इसको समझा होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में नए न्यू टॉपिक और न्यू फैमिली के साथ मिलते हैं। सुनने का, समझने का, टाइम देने का शुक्रिया जी। खुश रहे, आबाद रहे।